भगवान समान की पगड़ी मुझे पहनाई, सिर मस्तक झुक होकर मैं आपके झुककर आपका धन्यवाद करती हूँ। ये क्यों मैं लिख रही हूँ, अभी ये बात कर रहे थे हमारे भाई का महावीर पुनिया जी, ये इसलिए कि आज हरियाणा की राजनीति के अंदर 16 साल हो गए हैं और मुझे अब महसूस हुआ कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो मायूस बैठे, जिनकी आवाज जो है वो बुलंद नहीं हो पाई। जो कार्यकर्ता चौधरी बंसीलाल जी के साथ, सुरेंद्र सिंह जी के साथ जुड़े थे और जो नए लोग हमारे साथ जुड़े थे, उनका कुछ हो नहीं पाया, जिनमें से एक पंकज पुनिया भी है। इसीलिए ये सोचकर कि समय आ गया है, अब मुझे हरियाणा में निकलना पड़ेगा, मैं आज जो शुरुआत जो करी है करनाल जिले से करी है और पूरे हरियाणा के अंदर मैं जाऊंगी। जो मायूस मेरा कार्यकर्ता, हमारा कार्यकर्ता बैठा हुआ है, उसको जो है थापी लगाऊंगी। झूठी थापी मैं नहीं लगाती, झूठी बातें मैं नहीं करती कभी भी, जो कहूंगी वो करूंगी, चाहे उल्टा लटकना क्यों ना पड़ जाए मुझे, लेकिन एक बार जबान दे दी वो जबान को मैं पूरा करती। ये मेरे कार्यकर्ता पूरे हरियाणा के अंदर बात को जानते। पंकज की जहां तक बात है, जैसे जयपाल मान साहब अभी बता रहे थे, वो बेशक हमारे बीच में नहीं, लेकिन चिंता ना करो, मेरा खास आदमी है और भाई मेरे हाथ में कलम आ गई तो तुमने सोचने की जरूरत ही कोनी। जो आदमी संघर्षशील है, ईमानदारी से काम करता है, उसको मैं हमेशा आगे बढ़ाती हूँ। और आपको मैं बताना चाहती हूँ, आज आपके गांव के अंदर शायद आपको मालूम नहीं होगा, मैं मुंबई की जो हूँ पीआरओ, सारा इलेक्शन जो है राहुल जी का वहां पे मैंने कंडक्ट करना है। मेरा साथ कौन दे रहा है वहां पर, दो बच्चे हैं मेरे पास, एक पंकज पुनिया है, एक संदीप देवा। मुंबई जाते हैं हम, सारा मेरा काम करता है और इस बारीकी के साथ करता है कि आपको जो है पकड़ होना चाहिए। इस तरह का बच्चा है, इस तरह का आदमी है और डर निडर है। मेरे साथ केवल वो ही लगते हैं जो निडर हूं, क्योंकि हम तो भाई पकड़ हैं, अपने जो है निकल पड़ते हैं। यूं ही लोगों का काम करना है, जनता की आवाज उठानी, ईमानदारी के साथ उठानी, कोई इसके अंदर रोड़ छोड़ नहीं। राजनीति के अंदर कुछ कमाने के लिए नहीं आए। चौधरी बंसीलाल जी कहा करते थे कि जनता की सेवा के लिए अगर राजनीति में आओ तो भाई कोई बात है, नहीं तो अपने घर बैठो। लेकिन आज के दिन आप देख रहे हो राजनीति के अंदर इस तरह के लोग आ गए, जो केवल जो है राजनीति को जिन्होंने अपना व्यवसाय बना लिया, सही बात है या नहीं है, और व्यवसाय बनाकर राजनीति को इस इतना गंदे स्तर के ऊपर लेकर आ गए कि जन सेवा की तो बात छोड़ो, अपनी जेब की सेवा जो है वो केवल होती। मुझे जब नजर आते हैं नौजवान बच्चे, बेरोजगार बच्चे, हताश, इनकी आंखों के अंदर हताशा जब नजर आती है तो तकलीफ होती है, क्योंकि आप लोग जो है हमारा जीवन निकल गया, इनका जीवन आगे है, किस तरह से आगे ये चलना है, किस तरह से इन्होंने अपने परिवार को पालना है, किस तरह से इनको आगे कुछ मिले या ना मिले, इनके जो फ्रस्ट्रेशन जो है मैं समझ सकती हूँ। माताएं बहने मेरी यहाँ पर बैठी है, सारी जानती है किस तरह से आज जो है चौका चूल्हा चलाना मुश्किल हो रहा है। एक एक रुपया, एक एक पैसा काट काट के जेब काट काट के आदमी चलाता है। ये सारी चीजें हमारे सामने, ये केवल और केवल इसलिए कि जब जनता जो है, याद रखना, जनता सर्वोपरि, जनता जब सोच लेती है तो तखत बनते भी हैं और तखत उल्टे भी होते हैं। तो बदलाव का जब समय आता है तो यही ऐसे काम होते। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, जहां तक पंकज की बात है उसकी चिंता करना मत भैया, पंकज उनके पिताजी को भी मैं उनके उनको कहती हूँ, सारों को पूरा मेरा साथ देता है। आज
बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज इतना जबरदस्त प्रोग्राम पूरे करनाल जिले का जब हम कर रहे थे तो प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए, समझ रहे हो, और डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि किरण चौधरी आगे बढ़े, लेकिन मेरे कार्यकर्ता, मेरे सहयोगी, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, सारे के सारे जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया है उनके कारण मैं लड़ाई लड़ती हूँ और लड़ती रहूंगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे बारे में शायद पता नहीं आपको ये बात मालूम है या नहीं है, लेकिन मैं डरा नहीं करती किसी से, मैं नहीं करती। सच्चाई की बात जब रखनी हो, ईमानदारी के साथ रखनी हो, तो किस बात का डर? विधानसभा के अंदर आपकी आवाज बुलंदियों के साथ मैं लेती, सुना होगा आप लोगों ने, बच्चे सुनते हो कि नहीं, देखते हो आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर, ये बड़े बुजुर्ग तो नहीं देखते होंगे लेकिन यूवा मस्त हावी लोग किस तरह से आपकी आवाज उठाती हूँ, किसान की आवाज हो, हमारे व्यापारी की आवाज हो, हमारे मजदूर की आवाज हो, हमारे नौजवान बच्चों की आवाज हो, हमारी महिलाओं की आवाज, हर तरीके से विधानसभा के अंदर जो है जोर शोर से उठाया जाता है। किसान भाइयों के साथ जो ज्यादती हो रही किसी से आप देखी नहीं है, सब जानते हैं आज क्या हालात हो चुके, और ये सारी चीजें जो हैं, जब हम एकजुट हो जाएंगे, याद रखना एक बात, नेता उसी को आगे लेकर आओ जो अपनी जबान का धनी हो, जो काम करना जानता हो और जो ईमानदारी के साथ करे, कोई सी भी पार्टी का क्यों ना हो, अगर गलत आदमी को लेकर आ गए तो याद रखना नेता का तो जेब भर जाएगी लेकिन अपनी थारी जेब होलेगी खाली और सब कुछ होलेगा ना, कोई ये बात नहीं कहेगा जो मैं आपको बात बोल के जा रही हूं। इसीलिए हमेशा जो ईमानदारी के साथ छत्तीस बिरादरी की बात करता है, भाई संघर्ष तो करना पड़ता है, संघर्ष करने के लिए मैं निकली हूँ, चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधु हूँ, सुरेंद्र सिंह जी की पत्नी हूँ और एक फौजी की बेटी हूँ, ऐसे फौजी की जिसने बांग्लादेश की लड़ाई के अंदर गोलियां खाई, तो भाई किस बात से डर? मैं डरती नहीं हूं, बिल्कुल नहीं डरती। जब जनता की आवाज उठानी है, उस जनता की आवाज उठाने में मेरे को कोई रोक नहीं सकता। मेरे साथ जो है लड़ाई इसलिए मुझे संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि विपक्षी जो है वो तो करते ही हैं मुखालफत, लेकिन अपने भी जो है वो सोचते हैं कि भाई इसको खींच दो नीचे, ये तो होता ही है आप जानते हो, पर लेकिन लोगों का जब साथ हो, लोगों का जब प्यार हो, तो ये ताकतें कोई कुछ नहीं कर सकती। अभी चुनाव बहुत दूर है, 2 साल पड़े हैं चुनाव के, लेकिन अभी से मैंने अभियान शुरू इसलिए करा है ताकि आपको सबको एक कड़ी के अंदर जोड़ू, और आज मैं बधाई देना चाहती हूँ जयपाल मान साहब कि जिस तरह से इन्होंने इतना जबरदस्त प्रोग्राम करनाल के अंदर करा, ये सचमुच में बधाई के पात्र है। कह रहे थे कि मैं जिसके साथ लगता हूँ वो आगे जाता है, भाई वो तो सुरेंद्र जी एक बात कहा करते थे कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन हमारी लड़ाई सत्ता का लोभ नहीं है, हमारी लड़ाई जनता की आवाज बुलंद करना है, जनता का विकास है, जनता के लिए काम है, ये मुख्यमंत्री और ये और वो इन चीजों की नहीं मैं परवाह करती, सच्चाई है, काम करने के लिए आई हूँ, कर्म करने के लिए आई हूँ अपना, और वो कर्म अगर मैं अपना सही कर पाऊँ तो मैं समझूंगी कि मेरा समय जब ऊपर आएगा जाने के लिए सुरेंद्र सिंह जी के पास, मैं उनको कहूंगी चौधरी बंसीलाल जी को, सुरेंद्र जी को, कि मैं अपना कर्म तुम्हारा काम पूरा करके आई हूँ इस रास्ते के ऊपर। तो आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और एक बात और कहूंगी, जैसे मैंने कहा आज के दिन सांप लोग टूटे हुए अलग अलग बिखरे हुए हैं, जात पात का जो है जहर सारी जगह पड़ गया है, 36 बिरादरी एक हो जाएगी तो ही ये देश आगे चलेगा, तो ही अपना इलाके का विकास होगा, और नेता जो होता है जो जात पात
औकात की बात करता है, वो नेता जो है वो केवल अपने घर भरने की बात करता है। ये बात याद रखना, नेता की कोई जात और पात नहीं होती, नेता केवल जनता की सेवा के लिए होता है। नौजवानों को एक ही बात कहूंगी मैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं, भविष्य आप लोगों का है। सही जगह जुड़ो, सही जगह आगे बढ़ो। नारे लगते देने वाले नेता बहुत आते हैं, आएंगे कहेंगे अरे भाई मार दिया था कि तेरे को भी मंत्री बना दूंगा, तेरे को भी संतरी बना दूंगा, तेरे को भी एमएलए बना दूंगा। ऐसे लोगों से दूर रहना, ये लोग आपको ठगते हैं, आपको सही बात नहीं बताते। सही बात वो आदमी बताता है जो काम करने की चेष्टा रखता है, जो लड़ाई लड़ने की चेष्टा रखता है। झूठी बात कितने दिन चलेगी? सत्य जो है उसका तो उजागर होना ही, तो सत्य के साथ लगो, सत्य के रास्ते के ऊपर चलो, सत्य पे काम करो, कर्म करो अपना, और निश्चित तौर पर जो आप लोगों ने सोचा है वो मंजिल आपको जरूर मिलेगी। मैं तय जैसे सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज चाय के प्रोग्राम है यहाँ गांव में, रोदा में तो बहुत टाइम लग गया, अब कहते आगे भी जाना है, मुझे तो पता नहीं कितनी चाय है, दोबारा से आना पड़ेगा। कार्यकर्ता जो है उनके अंदर जोश इतना है, जो विपक्षी हैं वो देख रहे हैं पैनी नजर से, जो हमारे जो शुभ चिंतक है जिनको किरण चौधरी आंखों में खटकती है उनके भी नींद हराम हो रही होगी, लेकिन मैं इस चीज की परवाह नहीं करती। मेरे लोग मेरे साथ अगर हैं तो मैं आगे बढ़ती रहूंगी, चाहे मैं अकेली क्यों ना हो, कारवा जो है वो बढ़ता चला।